लॉकडाउन में खाने के संकट और रोजगार के बंद होने के कारण प्रवासी मजदूर लगातार अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। सर मैं अभी 24 घंटे हो गया, खाया नहीं था। तो कैसे आए आप यहाँ तक? अब ये ट्रक से पुलिस वगैरह ने रोका कर बैठा दिया, उसके बाद में यहाँ कानपुर तक आए, कानपुर से फिर बैठा दिया, यहाँ तक चले। आप कहाँ जाएंगे? दस हज़ार रुपये घर से मांगे, घर माँ बाप किराया भाड़ा कहाँ से, गेहूँ राशन बेच के दे रहे हैं, कहाँ से क्या करेंगे सर? अभी हमको ये थोड़ी नहीं अच्छा लगता है कि हम लोग इतनी भीड़ में, 4,500 रुपये का मतलब होता है कि इंसान फ्लाइट से आ जा सकता है, लेकिन मजबूरी है जो हम थोड़ी थोड़ी जगह पर एडजस्ट करके आ रहे हैं। आज हमने 3 दिन हो गया निकल के वहाँ से। अब सर मथुरा से पैदल इसीलिए आ रहे हैं कि काफ़ी दिन से 2 महीना तो हो गया लॉकडाउन लग रहे हैं, पैसों से दिनों तकलीफ हो गई, सेठ सोचा कितने जल्दी लोग को भगा दूँ, वही भगाने फिर लग गया, हम लोग को भगा दिया, अभी पैसा भी हमारा लगा हुआ है। खाना नहीं मिला तो भूखे मर रहे थे, क्या करें? तो वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं थी? खाने की व्यवस्था नहीं थी। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? गांव जा रहे हैं। कहाँ? अमेठी। हम आ रहे हैं कल्याण से। कब चले थे? आज हम तो 7वां दिन हो गया। महाराष्ट्र से आ रहे हैं जी, पूना से। कब चले थे? आज 4 दिन हो गए चल के। तो सरकार ने कह रहे हैं कि ट्रेन और बस का वो व्यवस्था किया है, फिर आप ऐसे लटकते हुए पैदल ऐसे क्यों जा रहे हैं? कहाँ सर, सरकार ये बोल रही है पर ट्रेन व्यवस्था कहाँ की है, 4-5 बार तो मैं फार्म भरा, कोई सक्सेस ही नहीं हुआ उसमें। किस गाड़ी से आ रहा है? पिकअप से। कितना किराया लगा? 4,500। रास्ते में खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था थी, जो बांट रहे थे खाते आ रहे, क्या करेंगे? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। पैसे तो सर 4,000 रुपये लिया गाड़ी वाला, वही 4,000 रुपये दिया। घर से पैसा मंगा के फिर हम लोग गांव जा रहे हैं, सरकार ने कोई मदद नहीं किया हमारी। ये इस बीमारी में एक गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए हैं आप इस गाड़ी में? जो 24 लोग बैठे हैं पिकअप में। बीमारी का डर नहीं कुछ? बीमारी का डर क्या रहेगा, घर जाने का जल्दी है तो बीमारी का डर, आप भूखा मर रहे हैं, क्या करें? बीमारी से ज्यादा तो भूखमरी से डर लग रहा है सर, बाहर रहेंगे तो भूखा मर जाएंगे। फॉर्म वॉर्म भरा था 5 बार, पता किया फॉर्म क्या? कहाँ फॉर्म भरे आपने? वहीं से, मतलब कि कागज़ दिया था दूसरे लोगों को भराने की, हमें तो इतना नॉलेज है नहीं। आपने रजिस्ट्रेशन कराया था? हाँ कराए थे। कैसे कराया? वहाँ गए कंटोनमेंट में, हम 2-3 बार गए तो वहाँ हम फिर डंडा चार्ज किया गया, तो जब वहाँ डंडा चार्ज किया गया तो वहाँ हम 3 दिन लगातार भूखे प्यासे जाके रिटर्न आए, फिर हम प्राइवेट में जाके करा के आए। बीमारी में आपको डर नहीं लग रहा इस गाड़ी में? आप लोग इतने लोग बैठ के जा रहे हैं, इससे तो अच्छा है कि हम बीमारी से मर जाएंगे, वो हमको पड़ो रहेगा। देश में कई ट्रेनें चलनी शुरू हुई हैं लेकिन शायद देर से। खाने की कमी और जानकारी के अभाव में लोग चलना ट्रक वगैरह से आना शुरू कर दिए हैं। इस दौरान रास्ते में कई मजदूरों की जान भी चली गई। अभी हाल ही में दिनांक 16/5/2020 को उत्तर प्रदेश के औरैया में प्रवासी मजदूरों से भरे 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए। इस दौरान मौके पर ही 25 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और 35 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप अपने और अपने परिवार का जीवन बचाने के लिए सुरक्षित यात्रा करें। अगर आप अपने घर वापस आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका अपने राज्य के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या स्थानीय पुलिस स्टेशन, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी ऑफिस से संपर्क करें। मैं अमित, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।